जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। काफ़ी सारी क्वेश्चन थे और उसके अलावा कुछ कमेंट्स में भी दोस्तों ने पूछा हुआ था, ना सिर्फ के मुझसे पूछा हुआ था बल्कि अक्सर आपके फेसबुक के डिस्कशन के अंदर भी चीज़ चल रही होती है। और एक ही चीज़ जो है वो बार बार पूछी जाती है कि प्राइवेट लेबल के लिए हमें बजट कितना चाहिए, उसके बाद प्राइवेट लेबल को लॉन्च करने का तरीका क्या है, उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ब्रांड रजिस्ट्री की ज़रूरत हमें होती है कि नहीं होती, उसके डिफरेंट किस्म के आंसर्स भी आ रहे होते हैं। और ऑब्वियसली जिसको जितना पता होता है वो उसका उतना आंसर कर रहा होता है। तो आज मैंने सोचा कि प्राइवेट लेबल के बारे में, पीएल के बारे में इस मुख्तसर से वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँ कि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ कि उसका आपको कोई डाउट ना रहे। हमारे पास अमेज़ॉन के अंदर डिफरेंट बिजनेस मॉडल हैं, उसमें जो प्राइवेट लेबल है वो सबसे ज़्यादा अथेंटिक और सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलने वाला समझा जाता है कि जिसके अंदर ग्रेजुअली आपका बिजनेस ग्रो करता है। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट के जहाँ तक ये बात है कि प्राइवेट लेबल जो है आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, 100% एग्री विद दैट। दूसरी बात ये कि कुछ लोग कह रहे होते हैं कि प्राइवेट लेबल के लिए आपको जो है वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, विच इज़ रॉन्ग। अमेज़ॉन की किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है कि अमेज़ॉन आपको कहे कि आपका प्राइवेट लेबल जो है उसके लिए आप मेक श्योर के 1000 पीस भेजें, 500 पीस भेजें। उसके लिए आपके पास अगर इवन के 10 पीसेज आप भेज सकते हैं। सो 10 पीसेज इज़ डिपेंडिंग कि भाई आपका अपना बजट कितना है। तो पहली चीज़ तो ये है कि प्राइवेट लेबल कहते किसे हैं। सो सिंपल, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट कि जिसके ऊपर आप अपना ब्रांड का नाम लिखवा दें, ऑब्वियसली वो प्राइवेट लेबल कहलाती है। लेट्स सपोज ये एक हैंड सैनिटाइज़र है, अगर इसको इसके ऊपर मैं अपने ब्रांड का कोई भी नाम लिखवा दूं और मैं इसको सेल करना चाहूं तो मैं इसको सेल कर सकता हूं। उसके लिए अमेज़ॉन के जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं वो सेम रहेंगे, उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि उसके इमेजेस हैं, उसके डिस्क्रिप्शन है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके पास सेम रहनी चाहिए। उसके अलावा आप इसको किसी भी कंट्री के अंदर आप इसको लॉन्च करना चाहते हैं, आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बजट से स्टार्ट करते हैं कि इसका बजट जो है वो कितना होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ कि बजट की जहाँ तक बात है, बजट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितने बजट से आप इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं। लेट सपोज़ अगर आप कोई चीज़ बाय करना चाह रहे हैं, आप कोई कार बाय करना चाह रहे हैं और आप किसी से पूछें कि मैंने कार बाय करनी है तो उसके लिए मेरा बजट कितना होना चाहिए, तो ऑब्वियसली तो वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं बजट आपके 50 लाख होना चाहिए, 60 लाख होना चाहिए। कार के लिए लेट सपोज़ आप अगर 7 लाख की कार लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, 70 लाख की लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, 7 करोड़ की लेना चाहें आप वो भी ले सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपका जितना बजट है उसके मुताबिक आप अपना प्राइवेट लेबल स्टार्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपका बजट जितना ज़्यादा होगा, आपकी क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी, बिजनेस उसी हिसाब से आपका ग्रो करेगा। सेकंड थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्राइवेट लेबल अगर आपने लॉन्च करना है तो उसके लिए आपके पास 4 रिक्वायरमेंट होती हैं। पहली ये होती है कि आपको सबसे पहले अमेज़ॉन से ब्रांड की आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। ब्रांड अप्रूवल इट्स नॉट अ लेंथी प्रोसेस, उसके लिए अमेज़ॉन की सिंपल सी रिक्वायरमेंट होती हैं। वो आपके कैटेगरी पूछते हैं, ब्रांड का नाम पूछते हैं। एक चीज़ मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि आप जो ब्रांड का नाम और कैटेगरी आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, सबसे पहले जो है वो आप अमेज़ॉन की अगर आप जाएँ ऐड प्रोडक्ट के अंदर, उसके नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी GTIN एग्जेम्पशन की, उसको आप क्लिक करेंगे। उसके अंदर आप ब्रांड की अप्रूवल जब लेने के लिए जाते हैं तो अमेज़ॉन आपसे पूछता है कि कैटेगरी कौन सी है। उसके बाद कैटेगरी की सिलेक्शन करने के बाद आप ब्रांड का नाम वहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद आप उसको एक चेक का बटन हमारे पास होता है, उसको आप क्लिक करते हैं कि ये ब्रांड एलिजिबल भी है कि नहीं। तो द फर्स्ट एडवाइस इज़ कि आप जब भी पीएल लॉन्च करना चाहें आप सबसे पहले जाके आप इसको चेक कर लें, तो अमेज़ॉन आपको सेम टाइम बता देगा कि आप इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मोस्ट ऑफ द केसेस सो दे अलाउ यू। दिस इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि उसको अप्लाई कैसे करते हैं। इट्स अ सिंपल प्रोसेस, उसके लिए आपको बहुत लेंथी प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। आप जब उसके एलिजिबिलिटी आप उसकी चेक कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो आपसे कुछ इमेजेस मांग रहे होते हैं। इमेजेस जो रियल टाइम इमेजेस होते हैं, रियल टाइम इमेजेस मीन्स के प्रोडक्ट जो है, लेट्स सपोज ये मोबाइल फ़ोन है, आपने अगर इसके रियल टाइम इमेजेस भेजने हैं तो मेक श्योर आपके ये टेबल पे पड़ा हो, उसके बाद आप इसका इमेज ले रहे हो, आपके हाथ में है आप इसका इमेज ले रहे हैं, और उसके बाद 2-3 इसके अच्छे अच्छे इमेजेस लेके आप भेज देंगे विद विद
पैकिंग ऑफ योर ब्रांड एंड उसके साथ उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो आपके ब्रांड का नाम लिखा होना चाहिए। रियल टाइम इमेजेस जो है वो आपसे मांगते हैं, उसके अलावा इन सम केसेस वो आपसे वेबसाइट भी मांग लेते हैं, मगर उसके ब्रैकेट में ऑप्शनल आ रहा होता है, वो कंपलसरी नहीं होता। या इन सम केसेस वो इस प्रोडक्ट का आपसे, अगर आपने इसको कहीं पे डिस्प्ले किया हुआ है, उसका यूआरएल मांग रहे होते हैं, दैट्स इट। उसके बाद विद इन 24 आवर्स जो है वो आपके उस ब्रांड की अप्रूवल आ जाती है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि फिर आपको इस प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए उसकी डेफिनेटली आप मैनुअल लिस्टिंग में जाते हैं, उसको लिस्ट करने के लिए आपको या तो यूपीसी या ईएन नंबर की ज़रूरत होती है। वो अगर आपके पास है तो ठीक, आप उसको बाय करना चाह रहे हैं, आप उसको बाय कर लें। उसको बाय करने के भी मैं आपको एक सस्ता सा तरीका बता दूं, वो ये है कि आप किसी और वेबसाइट से बाय करने के बजाय आप इसको ईबे से बाय कर लें। ईबे से आपको 15 पाउंड के 1000 यूपीसी या ईएन नंबर आपको मिल जाते हैं, जो कि अनयूज्ड होते हैं, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मीन्स के 15 पाउंड के अंदर आपको जितने यूपीसी ईएन नंबर आपको मिलेंगे, तो उसके थ्रू आप अपनी 1000 प्रोडक्ट जो है वो आप उसके लिस्टिंग कर सकते हैं, विच इज़ इनफ आई थिंक। सो इट्स अ मोर देन इनफ। सेकेंड थिंग, अगर आप बाय नहीं करना चाह रहे, इट्स ओके। उसमें अमेजोन आपको दूसरी ऑप्शन दे रहा होता है कि आप इसमें GTIN एग्जेम्पशन अगर लेना चाह रहे हैं। GTIN एग्जेम्पशन मीन्स के अगर वो एग्जेम्पशन आपके अमेजोन दे देता है, तो उस स्पेसिफिक ब्रांड में, उस स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर आप जितनी मर्जी चाहे लिस्टिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रोडक्ट आईडी की या आपको यूपीसी की ईएन नंबर की आपको ज़रूरत नहीं होती। उसकी लिस्टिंग आप जैसे ही कंप्लीट करते हैं, अमेजोन के ऐसा नंबर जो है वो खुद ब खुद उसमें से जनरेट हो जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। अब इसमें लास्ट में जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके ब्रांड रजिस्ट्री के हवाले से, वो मैं आपको बता दूं। अमेजोन के लिए, उस पीएल के लिए ब्रांड रजिस्ट्री करवाना ज़रूरी नहीं होता, वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप ब्रांड रजिस्ट्री आप करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। बट यू नो वट, हम क्या सोचते हैं कि हम ये सोचते हैं कि जो हम प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं ना, तो ये सडनली हम इसको लॉन्च करेंगे और ये रैंकिंग में नंबर वन आ जाएगी, इसकी सेल थ्रू बहुत अच्छी हो जाएगी, और ऐसा ना हो कि और इसके अंदर सेलर्स आ जाएं तो फिर हम ब्रांड रजिस्ट्री की तरफ चले जाएं। ऐसा नहीं होता। अगर आप इसको रियल लाइफ के अंदर देखें, तो कोई भी प्राइवेट लेबल को इसलिए कहा जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है। आप भी प्रोडक्ट अपने जब लॉन्च कर रहे होते हैं तो उसने आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना है। सम टाइम जो उसको आपको ऐड लगाने पड़ते हैं, स्टार्टिंग के अंदर आपको प्रॉफिट मार्जिन उस पर यूँ समझें कि ना होने के बराबर रखना पड़ता है। जो प्रॉफिट आपको आ रहा होता है आप उसको ऐड लगा रहे होते हैं, एंड इन सम केसेस आप उसकी आर्टिफिशियल आप सेल भी कर रहे होते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स हैं प्रोडक्ट्स को ऊपर लेके आने के लिए। सो आई डोंट थिंक सो कि अगर आप इस लेवल से काम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक लिमिटेड बजट वालों के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास बहुत पैसा है, आप करोड़ों के अंदर कोई प्रोडक्ट अपनी लॉन्च कर रहे हैं, तो डेफिनेटली देन यू नीड टू गो विद द प्रॉपर प्रोसीजर, आप उसकी तरफ डेफिनेटली जाएंगे। मगर इनिशियल प्राइवेट लेबल के अंदर अगर आप ब्रांड रजिस्ट्री नहीं भी करवाना चाहते, इट्स ओके, उसमें किसी किस्म का इशू नहीं है। अब ब्रांड रजिस्ट्री जो है, जैसे मैंने आपको बता दिया, कंपलसरी नहीं है। आप उसके बगैर भी जितना अरसा आप अपना ब्रांड चलाना चाहें आप चला सकते हैं। ब्रांड रजिस्ट्री के बेनिफिट्स भी होते हैं, उसमें आप अपनी शॉप बना सकते हैं, A+ कंटेंट आप उसके अंदर डाल सकते हैं, उसके अंदर की ओर शायद आपकी लिस्टिंग में नहीं आ सकता। मगर ये काम हम उस वक्त कर रहे होते हैं कि जब हमारा ब्रांड इतना स्ट्रांग हो जाए, सो वी फील कि हाँ जी, अब हमें इसकी रजिस्ट्री करवा देनी चाहिए, ताकि कोई और बंदा इसको बेचना चाहे तो वो हमसे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ले, या ये प्रोडक्ट जो है वो हमसे परचेज करे। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि ब्रांड रजिस्ट्री डायरेक्ट आप अमेजोन से नहीं करवा सकते। उसके लिए सबसे पहले आपको उस स्पेसिफिक कंट्री के अंदर अपने ब्रांड का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना होता है। अगर मैं KSA की एग्जांपल लूँ, वहाँ से आपको बल्दिया से रजिस्टर्ड करवाना होता है। अगर मैं UAE की एग्जांपल लूँ, उसमें आपको इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। और इस वक्त जो सबसे महंगी रजिस्ट्रेशन है आपकी PL की, वो UAE की है। उसकी रीज़न ये है कि ब्रांड रजिस्ट्री जो है वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री जो जिसको कहते हैं, कि पहले आप करवाएंगे ट्रेडमार्क रजिस्ट्री उस स्पेसिफिक कंट्री के अंदर, उस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन से। लेट्स सपोज KSA के अंदर अगर बल्दिया है, UAE के अंदर इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है, उसके बाद आप UK चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इस तरीके से जो भी उसका रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन होगा, आप वहाँ से जाके उसका ट्रेडमार्क आप उसका रजिस्टर्ड करवाएंगे।
और यूए की मैं बात कर रहा था, वहाँ पे एक्सपेंसिव इसलिए है कि आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आप अपना ब्रांड रजिस्टर नहीं करवा सकते। आप अगर अमेजोन पे प्रोफेशनल सेलर हैं, आप फ्री में अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप ब्रांड रजिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहले कंपनी का लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और यूएई के अंदर जो मिनिमम लाइसेंस वैल्यू का आपको मिलता है वो तकरीबन 7,000 दिरहम से वो स्टार्ट होता है। अगर आप वो मिनिमम लाइसेंस भी आप बनवाएंगे, उसके बाद अगर आप जाते हैं दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट की तरफ, तो 6,000 to 8,000 दिरहम जो है वो उनकी फ़ीस है। इट मीन्स कि उसमें तकरीबन आपकी 15,000 दिरहम जो है वो आपका एक्सपेंस हो जाता है। जब आपको ट्रेडमार्क मिल जाता है, वो आपको जब लेटर इशू करते हैं आपके ब्रांड का, सो आफ्टर दैट वो लेटर, आपकी कंपनी का लाइसेंस, ये चीज़ें आप अमेजोन के पास सबमिट करवाते हैं, और उसके बाद आप ब्रांड रजिस्ट्री के लिए एलिजिबल होते हैं। अब इसके अंदर एक और लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूँ, वो ये कि लेट सपोज अगर चार कंट्रीज़ के अंदर, अगर चार कंट्रीज़ के अंदर आपने एक ही अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड, उसको सेल कर रहे हैं और उसको आप रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं, तो जिस कंट्री के अंदर आपका बेस स्टोर होगा उसी कंट्री के अंदर उसकी ब्रांड रजिस्ट्री यानी कि ट्रेडमार्क उसका बनेगा, उसके बाद उसकी ब्रांड रजिस्ट्री जो है वो उसी कंट्री के अंदर होगी। तो आप ब्रांड रजिस्ट्री की जो सर्विसेज हैं वो अमेजोन खुद भी प्रोवाइड करता है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। उसके अंदर ये प्रोसेस होता है कि उनकी स्पेसिफिक फ़ी होती है अमेज़ोन की, उनके अपने लायर्स होते हैं, उनकी अपनी टीम होती है, और आपने जिस भी ब्रांड की रजिस्ट्री करवानी है वो आप उनसे रब्ता करेंगे, उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो उस स्पेसिफिक, इन केस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है, तो वो वहाँ से जाके वो उसकी अप्रूवल लेंगे, उसके बाद वो ब्रांड रजिस्ट्री की तरफ जाएंगे। तो आप अगर इन सब चीज़ों से बचना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे जो एक शॉर्टकट वे है वो यही है कि आप अमेज़ोन को हायर करेंगे, आप उनकी फ़ी उनको पे करेंगे, और उसके बाद आप ब्रांड रजिस्ट्री के प्रोसीजर को आप अडॉप्ट करेंगे। तो ये एक छोटी सी प्राइवेट लेबल के बारे में कन्फ्यूजन है लोगों के जहनों में बजट के हवाले से। बजट इट्स अप टू यू, अगर आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट के छोटे छोटे आइटम बेचना चाहें आप बेच सकते हैं, नो बडी विल स्टॉप यू। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ब्रांड रजिस्ट्री उसके लिए ज़रूरी नहीं है, आप उसको पहले कंटिन्यू करें, जब उसकी सेल अच्छी हो जाए, जब उसके बाद आप उसको करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ दैट आप स्ट्रेट वे ब्रांड रजिस्ट्री की तरफ नहीं जाते, सबसे पहले आप ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाते हैं, जिस कंट्री के अंदर आप वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उस कंट्री के अंदर आप रजिस्टर्ड करवाएंगे, और उसके बाद आप ब्रांड रजिस्ट्री की तरफ जाएंगे। आई होप कि इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप इसको मेंशन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।